फाइनली जिस चीज़ का डर था वो होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करी जाए तो ट्राई ने इशू किए हैं पेपर स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के, और यहाँ पे बात की जाए तो अब आपको स्पेस सर्विस मिलने वाली है। डैट मीन्स ये है कि अब आपको इंडिया में सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन वो एक्चुअली किस काम के लिए यूज़ होगी और क्या वो आम लोगों के लिए भी अवेलेबल होगी, जिस तरीके से कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आप एक्चुअली तब बात करी जाती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी की, तो आप एक्चुअली कहाँ पे किस एरिया में और किस जगह पे बात की जाए तो 5G कनेक्टिविटी जैसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी ले पाएंगे। क्योंकि हम बात करें अभी स्टारलिंक या अनदर जो भी कंपनियां वो आपको मैक्सिमम 300-150 MBPS की स्पीड पहुंचाती है, लेकिन क्या इसमें नए पार्टिसिपेटर जुड़ते हैं, नए प्लेयर ऐड होते हैं, तो वहां पे आपको इंडिया में बात की जाए तो इंडिया सैटेलाइट कनेक्टिविटी किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो किस सर्विस के लिए यूज़ होगी। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिटर्न दिया है ट्राई को, जहाँ पे बात की जाए तो डिमांड रखी गई है जो भी मतलब एसेट हैं, जैसे कि हम बात करें वहाँ पे डिमांड करी गई है कि स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस एंड प्रोवाइडर को रिकमेंडेशन दिया जाए। यहाँ पे मालूम जिस तरीके से बात की जाए तो क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम ईच बैंड रिक्वायर, मतलब जो भी आप बैंड प्रोवाइड करवाएंगे कंपनियों को ऑप्शनिंग के अंदर, वहाँ पे उन सबको रिकमेंडेशन दी जाए। जैसे कि हम बात करें जियो ने बहुत पहले ही मतलब अराउंड एक साल पहले ही जियो स्पेस से रिलेटेड अपनी कंपनी लॉन्च कर दी थी। और यहाँ पे बात करी जाए तो एयरटेल वन वेब ऑलरेडी बहुत स्पीड से वर्क कर रहा है सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली किस काम के लिए यूज़ होंगे। और इस बार तो उम्मीद भी ऐसी लग रही है कि जैसे कि हम बात करें टाटा या अडानी भी इस बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरनेट के लिए। और यहाँ पे बात करी जाए तो मल्टीपल एक्सेस देने की बात चल रही है कि अब जो सैटेलाइट ऑप्शनिंग होगी तो उसमें राइट्स मल्टीपल तरीके से दिए जाएंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सर्विस को लेकर और ज़्यादा खतरा देखने के लिए मिलेगा। और जो भी बात की जाए तो कॉम्पिटिटर जैसे कि हम बात करें DTS सर्विस को या अन्य अदर जो भी सर्विस अभी तक आपको सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्टिविटी के लिए मिल रही थी, जैसे कि हम बात करें बहुत लिमिटेड सर्विस ऑल वर्ल्ड आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है, बट पहली बार ऐसा होगा इंडिया में जहां पे आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट संस्था दोनों ही, जैसे कि अभी जो है इसरो ही मेन वर्क करती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, बट अब कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में भी जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर आपको कंट्री में नहीं तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट देखने के लिए मिलता है, नहीं तो फिर आपको प्राइवेट देखने के लिए मिलता है। जहाँ पे सरकारें कमज़ोर हैं वो पूरा सिस्टम रेडी नहीं कर सकती तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे देती हैं, लेकिन इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा प्राइवेट एंड सरकारी दोनों ही कम्युनिकेशन अब वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करी जाए तो ट्राई ये भी कंसिडर कर रहा है कि जो स्पेक्ट्रम है वो पूरी तरीके से मतलब बात की जाए तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंडिकेट दिए हैं स्पेस बेस कम्युनिकेशन सर्विस को और ज़्यादा अच्छे लेवल पे लेके आया जाए ग्राउंड बेसिस पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, लेकिन वो किस तरीके से वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें कि हम एक्चुअल वर्क बता पाएंगे कि आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलती है तो वो किन लोगों को और किस तरीके से रिप्रेजेंट या डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।